हाय एवरीवन आई एम करू वेलकम टू दिस में हम डिस्कस करने वाले गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2018 के पेपर का क्वेश्चन और टॉपिक हैीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेर देर आइजेस वाइन्टी थाउजेंड रुपीज देर आर ऑल्सो स्कॉलरशिस् वी थाउजेंड रुपीज अलॉन्ग विनशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी

एज जिसमें होगी एजिस वो पाथ पाथलेंथ हो जाएगा तो यहां पे बेसिकली वो जो है पाथलेंथ ट्री का हाइट हो जाएगा तो हाइट ऑफ ट्री की डेफिनेशन दी गई है तो हाइट ऑफ़ बाइनरी ट्री और हमें पूछा गया है कि अगर किसी बाइनरी ट्री का ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रावर्सल है तो उसकी हाइट क्या होगी नाउ इससे हम क्या कर सकते हैं अगर हमें पोस्ट ऑर्डर और इनऑर्डर ट्रिवर्सल दिया गया है या तो फिर इनऑर्डर और प्री ऑर्डर रिवर्सल दिया गया है बाइनरी ट्री का तो हम उस ट्री को जनरेट कर सकते हैं बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि सभी सभी नोड के मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होंगे या तो जीरो चिल्ड्रन या तो वन चिल्ड्रन लेफ्ट या राइट या तो दो चिल्ड्रन होंगे लेफ्ट एज वेल एज राइट दो से ज्यादा नहीं होंगे ठीक है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि किसी भी नोड का पहले आप लेफ्ट सब ट्रावर्स करो विजिट करो फिर राइट सब ट्री विजिट करो एंड फिर रूट की जो वैल्यू है उसको नोट डाउन करो तो अगर हम इस तरह से ट्रावर्स करेंगे तो हमें यह मिलेगा इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले लेफ्ट सब्ट्री को ट्रावर्स करना है उसके बाद रूट की वैल्यू नोट डाउन करनी है और उसके बाद राइट right सब्टी को विजिट करना है तो उसमें हमें ये ऑर्डर मिलेगा ठीक है तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया गया है तो हम ट्री कैसे जनरेट करते हैं हम जो पोस्ट ऑर्डर है उसको राइट right से लेफ्ट की तरफ ट्रावर्स करते हैं क्यों क्योंकि रूट अगर एंड में विजिट होता है तो जो वन है वो बाइनरी ट्री का टॉप मोस्ट रूट होगा तभी वो एंड में है क्योंकि लेफ्ट राइट right और सबसे लास्ट में रूट विजिट होता है तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्रॉम द लास्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में वो रूट होता है फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हम बाइनरी ट्री में एड करेंगे वो हम इन ऑर्डर की मदद से कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले रूट वन होगा अब थ्री जो है उसकी अगर मैं इन ऑर्डर में पोजीशन देखूं तो वो वन के बाद है ठीक है यहां पे हमें क्या देखना है कि जिस एलिमेंट को हमें बाइनरी ट्री में ऐड करना है जैसे कि थ्री है वो अभी तक बाइनरी ट्री में जितने एलिमेंट्स है उसके रिस्पेक्ट में इन ऑर्डर में लेफ्ट में है या राइट right में है ये देखना है जैसे कि अभी तक वन है तो वन के राइट right में है थ्री ठीक है तो राइट right में है इसका मतलब क्या इन ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट और राइट इसका मतलब बाइनरी ट्री में भी थ्री जो है वो वन के राइट right में रहा होगा तभी वो इन ऑर्डर में वन के राइट right में है क्योंकि ये लेफ्ट रूट और राइट विजिट होता है अब ये दोनों हो गए अब बात करते हैं टू की तो टू जो है वो वन और थ्री दोनों के लेफ्ट में है ठीक है मतलब कि इन ऑर्डर में वो वन और थ्री के पहले विजिट हुए हैं पहले विजिट कब हुए होंगे जब वो वन और थ्री दोनों के लेफ्ट में होगा टू बाइनरी ट्री में क्योंकि इन ऑर्डर में वो पहले है मतलब कि लेफ्ट रूट और राइट तो इन दोनों के वो लेफ्ट में होगा तभी इन ऑर्डर में पहले आया होगा टू यहां पे है और थ्री बाद में है तो ये दोनों के लेफ्ट में है ठीक है सिमिलरली सारे एलिमेंट्स ऐड करने अब फाइव देखो फाइव जो है वो इन ऑर्डर में टू के बाद आता है और वन और थ्री के पहले आता है मतलब कि वो ट्री में टू के राइट हैंड साइड पे होगा और वन और थ्री के लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्योंकि ऑर्डर क्या है इन ऑर्डर का लेफ्ट रूट और राइट तो टू अगर पहले है तो फाइव के लेफ्ट में होगा मतलब कि फाइव उसके राइट में होगा और फाइव वन और थ्री के पहले है मतलब वन और थ्री के वो लेफ्ट में होगा मतलब कि टू के राइट में होगा लेकिन वन और थ्री के लेफ्ट में होगा मतलब यहाँ कहीं पे होगा फाइव बस सिमिलरली एड करते जाओ फोर फोर जो है वो टू वन थ्री फाइव सबके लेफ्ट में है तो यहाँ पे आएगा फिर सेवन सेवन जो है वो फोर के राइट में है इन चारों के लेफ्ट में है मतलब कि फोर के राइट में है लेकिन इन चारों के लेफ्ट में है सिक्स, इन सभी के लेफ्ट में है मतलब कि यहां पे आएगा नाइन नाइन जो है वो सिक्स के राइट में है इन सब के लेफ्ट में है मतलब कि सिक्स के राइट में है लेकिन इन सब के लेफ्ट में है एट एट सबके लेफ्ट में है मतलब कि एट यहां पर आएगा तो ये हमारा ट्री बन गया अब इसकी हाइट क्या होती है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट ये हमारा रूट है टू एनी लीफ अब ये भी लीफ है ये भी लीफ है ये भी लीफ है ये भी लीफ है और ये भी लीफ है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वन क्योंकि एक ही ए जा रही है यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है वन टू फिर यहां तक का डिस्टेंस क्या है एक एज दो एज और तीन एज तो यहां तक का डिस्टेंस है थ्री यहां तक का डिस्टेंस क्या है फोर सिमिलरली यहां तक का भी डिस्टेंस क्या है फोर तो द मैक्सिमम पाथ लेंथ फ्रॉम रूट टू एनी लिफ इज फोर एंड हैंस द हाइट ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज फोर आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है थैंक यू